नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ह्यूमन स्केलेटन की 206 जो बोन्स हैं, 206 बोन्स होती हैं, उसको हम कम ने कवर किया है अपनी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में, अलग अलग पोर्शन में, जिसमें हमने देखा कि हर एक पोर्शन में कौन कौन सी बोन होती है। अभी जो वीडियो है, अभी वाली वीडियो रहेगी, एक ओवरऑल वीडियो रहेगी। हम 206 के 206 बोन्स को इसी एक फोटो में हम आपको काउंट करके बता देंगे, ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हम ह्यूमन स्केलेटन को, आपको पता है, हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स होती हैं 126। दोनों को मिला तो हो जाती है 206। चलिए देखते हैं 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में कहाँ कहाँ होती है। एक्सियल स्केलेटन के आप चार पोर्शन करते हो, जिसमें आता है एक स्कल, एक आता है रिब केज, एक आता है वर्टिब्रल कॉलम। स्कल है, स्कल के चार पोर्शन आपको पता बताए थे, क्रेनियम, ये क्रेनियम है, क्रेनियम, फेस, और कानों में स्टेप्स होती हैं, और एक हायड बोन होती है नीचे इधर। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, क्रेनियम में 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, कानों में ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन्स और एक हायोइड बोन। टोटल स्कल में होती है 29 बोन्स। जिसको डिटेल में देखना है तो वो स्कल की वीडियो जाके देख सकता है। वर्टिब्रल कॉलम में आपको पता है सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्रे 5 होती हैं, एक सैक्रम होता है, एक कोकाइक्स होता है। तो टोटल हमारा वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होती हैं 26। ठीक है, 26, 29 रिप्स जो हैं, 24 पेयर्स ऑफ रिप्स होते हैं, 24 रिप्स होती हैं, जिसमें कुछ ट्रू रिप्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिप्स होती हैं, कुछ फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। ये हमने रिप्स वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। 24 रिप्स होती हैं, एक स्टर्नम होती है। कितने हो गए, 29 प्लस 1 30, 30 और ये वाले जो हैं 30 और ये 50 हो गया। टोटल 80 बोन्स, 80 बोन्स होगी आपकी एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 29 स्कल में, 25 आपकी रिब केज एंड स्टर्नम, और 26 जो आपकी आपकी आ गई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 29 आपकी आ गई स्कल में, 24 आ गई रिब केज में, एक स्टर्नम आ गई, और 26 वर्टिब्रल कॉलम आ गया। टोटल करोगे तो 80 बन जाएगा। ये होगी आपकी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स। उसके बाद आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको पता है क्या क्या आता है। एक आता है शोल्डर गिडल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शोल्डर गिडल, एक आता है अपर लिम्स, एक आता है पेल्विक गिडल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक आता है लोअर लिम्स। शोल्डर गिडल में कितनी बोन्स है, शोल्डर गिडल में चार हड्डियां होती हैं, एक ये वाला स्कैपला, एक ये वाला स्कैपला, दो स्कैपला हो गए, दो क्लेविकल हो गए, टोटल 4 बोन्स होगी शोल्डर गिडल में। अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक एक अल्ना, दो होगी, तीन होगी टोटल। उसके बाद आपकी आएगी ये कार्पल्स, जो कार्पल्स हैं 8, मेटा कार्पल्स 5, फ्लैंजेस 14, टोटल 30 होगी एक लिम्स में, दूसरी में भी 30 होगी, तो टोटल 60 होगी, 60 लिख देते हैं हम, 30 यहाँ पे हुई है। ठीक है, 30 एक में, 30 एक में, टोटल 60 होगी। शोल्डर गिडल में 4, अपर लिम्स में 60, पेल्विक गिडल में एक पेल्विक बोन ये वाली, एक पेल्विक बोन ये वाली, टोटल 2 पेल्विक गिडल में आ गई। और लोअर लिम्स में क्या आएगा, एक फीमर, एक पटेला, एक रेडी अपना टीबीआर फिबुला 2, टार्सल्स 7, मेटा टार्सल्स 5, फ्लैंजिस 14, टोटल 30 एक में, 30 दूसरी में, टोटल आ गई 60 आ गई इसमें लोअर लिम्स में, 60 बोन्स ये आ गया 60। तो कितना हो गया, 60 और 4, 64 प्लस 2 68 प्लस 60 1, 60 प्लस 4 64 प्लस 2 66 प्लस 60 126 आ गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, और 80 आ गया एक्सियल स्केलेटन, तो टोटल होगी 126 206 बोन्स।
होगी होगी आपकी बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जो कितनी है, जो है आपकी 206 हड्डियां होती हैं हमारे स्केलेटन में। हमने एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया, और इन सभी पोर्शंस की हमने अलग अलग वीडियो बनाई है। बोन्स ऑफ स्कल अलग वीडियो है बनाई हुई, बोन्स ऑफ रिब केज एंड स्टर्नम अलग वीडियो है, बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अलग वीडियो है, बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड शोल्डर गिर्डल अलग वीडियो है, बोन्स ऑफ लोअर लिम्स एंड पेल्विक गिर्डल अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियोस आप डिटेल में जाके देख सकते हो, सभी बोन्स का हमने काउंट करके और सभी के अलग अलग फोटो भी वहाँ पे लगाई हुई है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो आपको आइडिया हो गया, स्कल में 29, रिब केज और स्टर्नम में 25, वर्टिब्रल कॉलम में 26, लोअर लिम्स और पेल्विक गिर्डल में 62, अपर लिम्स और शोल्डर गिर्डल में 64। सभी को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 206 बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सभी के सभी बोन्स आपको इसी फोटो में दिख रही हैं आपको, और ये आपकी बॉडी में भी होती हैं। आप इसको बार बार दिन में जितनी बार भी आप ध्यान दोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा धीरे धीरे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोन है, आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियरली समझ आ जाएगी, जिससे आपको अपनी बॉडी के बारे में भी पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स, जिसमें आपकी आपकी आती है जहाँ पे जैसे ये फ्लैट बोन है, ये वाली ये फ्लैट बोन है चौड़ी है ना, ये लॉन्ग बोन है, ये शॉर्ट बोन है, कुछ इररेगुलर बोन्स होती हैं। तो काफी सारे टाइप्स की बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इररेगुलर बोन्स। अभी आपको बोन्स के बारे में पता चल गया, हमने कुछ वीडियोस में आपको समझा दिया कि बोन्स कहाँ कहाँ पे होती है। अभी आपको आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि लॉन्ग बोन कौन सी है, शॉर्ट कौन सी है, फ्लैट कौन सी है, इररेगुलर कौन सी है। आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने पहले सेल कवर किया, फिर टिश्यू, फिर बोन्स में हमने स्केलेटन सिस्टम की बोन्स को कवर किया। अभी हम टाइप्स ऑफ बोन्स करेंगे, उसके बाद फिर हम जॉइंट्स पे आ जाएंगे, फिर जॉइंट्स के बाद हम और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके उनके ऊपर कवर करेंगे। तो आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको मैथमेटिक्स की तरह एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आपको फायदा हो नेट सेट क्वालिफाई करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने में, या फिर आपके सिलेबस को कवर करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इस तरह हम अगर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।